के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सिलेंडर लदे ट्रक की चपेट में आए दो बाइक सवार युवक, हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। नौशाड़ पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में। कूटरचित फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र का सहारा लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नौकरी कर रहे दो नटवर लाल चढ़े एसटीएफ के हत्थे। फर्जी दस्तावेज, मोहर, अंक पत्र सहित फर्जी अंगूठा भी बरामद। गोरखनाथ मंदिर में स्थित सीएम कैंप कार्यालय में लोगों को मिल रहे न्याय। कैंप प्रभारी ने कहा, प्रतिदिन आते हैं सैकड़ों फरियादी, होता है उचित समाधान। नशा परोस रहे हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा, हुक्का के फ्लेवर में मिले टोबैको। एसपी ट्रैफिक ने कहा, नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। गोलघर की सड़कों पर एएसपी बसियो कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने किया फुट पेट्रोलिंग, लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। दुकानदारों से अपने दुकानों के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील। पास्को एक्ट का वांछित चढ़ा बेलीपार पुलिस के हत्थे। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आरोपी युवक काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर था फरार। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ आपदा प्रबंधन विभाग की हुई बैठक, आपदा मित्रों और आपदा के दौरान होने वाली तैयारियों पर की गई चर्चा। प्रियंका गांधी को मिर्जापुर जाने से रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश, क्या विरोध प्रदर्शन। पीआरवी डायल 100 की गाड़ियों का एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण, बेहतर ड्राइव करने वाले चालकों को पुरस्कृत करने के दिए निर्देश। बेलीपार पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध शराब कारोबारी के पास से 40 लीटर स्प्रिट और स्कूटी हुई बरामद, भेजा गया जेल। एडीएम एफआर की अध्यक्षता में संपन्न हुई आपदा प्रबंधन एवं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक, शामिल हुए 6 तहसीलों के आपदा मित्र। अवैध शराब के आकर्षण को रोकने के लिए एसएसपी ने प्रत्येक थानों पर नामित किए सब इंस्पेक्टर, कहा क्षेत्र में कहीं बिकता या बनता मिला अवैध शराब तो नामित सब इंस्पेक्टर पर होगी कार्रवाई। मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मत्स्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस लाइन स्थित पुलिस मेस के सभागार में एवोक इंडिया फाउंडेशन एवं सेबी द्वारा रिटायरमेंट प्लानिंग विषय पर निवेशक जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन, पुलिसकर्मियों को रिटायरमेंट प्लानिंग की दी गई जानकारी। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने लंबित 24 सूत्री मांगों के पूर्ण न होने के विरोध में किया प्रदर्शन, काला फीता बांध कर जताया विरोध। इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लगाई गई क्रश मशीन का महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काट कर किया उद्घाटन, कहा मशीन लगने से सफाई व्यवस्था होगी बेहतर। श्रावण मास के पावन महीने में प्रधान डाकघर में उपलब्ध है गंगोत्री और ऋषिकेश का पवित्र गंगा जल, 22 रुपये में 250 ml एवं 30 रुपये में 500 ml की बोतल बंद गंगा जल है उपलब्ध। राजस्व सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया सीएम को ज्ञापन। अनुदेशकों ने 17,000 मानदेय देने के लिए किया धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। इनरवीर क्लब ऑफ गोरखपुर हॉरिजन द्वारा 21 जुलाई को राखी तीज मेले को किया जा रहा आयोजन, राखी तीज मेले से जो आमदनी होगी वो अनाथ बच्चों की होगी समर्पित। और महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन की ओर से सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा डीएम को, अति पिछड़ों वर्ग की जातियों का लिए अलग से आरक्षण की मांग।